तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, ठीक है। हालांकि रोज़ाना ही आप हर एक लेक्चर की शुरुआत में ये कुछ लाइन होती हैं आप ज़रूर सुनते होंगे मुझसे, ठीक है। तो खुश भी रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त भी रहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल सुनना है और सुन के कान से निकाल देना है, नहीं, आपको स्वस्थ, मस्त और व्यस्त। व्यस्त कहाँ पर भैया? पढ़ाई लिखाई में आपको व्यस्त रहना है अपने में, ठीक है। आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं संवैधानिक विकास के इतिहास में। आज का हमारा जो अगला टॉपिक होगा बच्चे, वो होगा 1833 का चार्टर अधिनियम। यह भी एक चार्टर अधिनियम है। तो कहीं ना कहीं चार्टर का मतलब होता है बेटा एक प्रकार का अधिकार पत्र। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। चलिए, अब जो बच्चे बिल्कुल नए जुड़े हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे पढ़ना है। संवैधानिक विकास का इतिहास पॉलिटी में सबसे पहला आपका टॉपिक होता है। संवैधानिक विकास के इतिहास को कई बच्चे बहुत टफ मानते हैं, कहते हैं कि नहीं सर ये टफ है, ठीक है ना, और इससे अच्छा है कि इससे जो लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको रट लो, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को, जैसे कि सर ये कि वह कौन सा संवैधानिक अधिनियम था जिसके द्वारा पहली बार भारत में खुली प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ करने की बात कही गई, या किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, या किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बेसिक से जो लगातार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। वह कौन सा अधिनियम था जिससे पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, विधान परिषदों का विस्तार हुआ, या फिर विधान परिषदों में भारतीयों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त हुआ, ठीक है। तो बच्चे कहीं ना कहीं रट लेते हैं। बेटा रटना नहीं है, अगर रटोगे तो आगे आने वाला जो बेटा पूरा संविधान है आपका वो इसी पे तो वेस्ट है। ये बेटा क्या है, उसकी नींव है, क्योंकि संवैधानिक विकास का इतिहास हमें बताएगा कि हमारी शासन व्यवस्था कैसी होने वाली है, हमारी शासन व्यवस्था में विधायिका का, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का क्या रोल है, हमारी इस शासन व्यवस्था में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांतों का क्या रोल है, हमारी इस शासन व्यवस्था में केंद्र राज्य संबंधों में, ठीक है, किस प्रकार का संबंध देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं बेटा जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे तो आगे जब संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को आप पढ़ोगे तो वो आप कैसे क्लियर कर पाओगे। तो इसलिए बेटा ये रटना नहीं है, समझना है। और जो भी नया बच्चा बेटा जो अभी जुड़ा है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले वीडियो से फॉलो करे, पहले वीडियो से फॉलो करे बस बेटा, ठीक है ना। और हर एक वीडियो को बहुत अच्छे से देखे, उसके नोट्स बनाए। मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूँ बेटा, एक एक चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आपको जीवन में कभी रटना नहीं पड़ेगा। और आप ये कहोगे बेटा लेक्चर्स को देखने के बाद कि इतना सरल था, ठीक है, कहीं ना कहीं। दूसरा, पॉलिटी का एक, ठीक है बेटा, ये एक पेड बैच है, और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि संवैधानिक विकास के इतिहास की सारे लेक्चर्स को मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा, लेकिन बेटा आगे के, ठीक है, जो भी विषय वस्तु रहेगी संविधान सभा के निर्माण से लेके, ठीक है, उसकी प्रक्रिया, उसके बेटा सिद्धांत, उसकी विशेषताएं, और बेटा बाकी की सारी चीज़ें, आपके फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी, DPSP, ठीक है, आपका प्रेसिडेंट, आपका गवर्नर, ठीक है, इससे संबंधित बेटा पूरी जो विषय वस्तु है वह आपकी ऐप पर चलेगी। और उसकी पूरी जानकारी आपको अगर लेनी है तो आपको वैसे YouTube थंबनेल में एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और वो नंबर है 8218758574। इस पर कॉल करके बेटा आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि पेड कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, कहाँ से ज्वाइन करना है, किस ऐप पर हमारी क्लासेस चलेंगी। और इस पेड कोर्स में बेटा हम लोग आपको क्लास नोट्स के PDF देंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देंगे, और आपका डाउट क्लियरिंग सेशन चलेगा। ये इस पेड कोर्स की कुछ विशेषताएं। चलिए बेटा, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, क्योंकि आज का लेक्चर भी बेटा एक चार्टर अधिनियम है। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे बेटा इसके प्रावधानों की, कि क्या क्या प्रावधान थे, क्योंकि कारणों के बारे में हमें कोई चर्चा नहीं करनी है। कारण के बारे में इसलिए चर्चा नहीं करनी है क्योंकि जिन बच्चों ने 1813 का चार्टर अधिनियम पढ़ा था, तो 1813 के चार्टर अधिनियम में बेटा बोला गया था कि कंपनी को अगले 20 वर्षों तक, कंपनी को, ठीक है, अगले 20 वर्षों तक के, ठीक है, 1813 से आगे आने वाले जो 20 वर्ष हैं, तो पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 20 वर्ष तक, ठीक है ना, राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार भारत में दिए गए। क्या दिए गए? राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार बेटा भारत में दे दिए गए आगे आने वाले 20 वर्षों तक के लिए। तो 1813 से 20 वर्ष बेटा कब कंप्लीट हो जाते हैं? 1833 में, तो स्वाभाविक सी बात है बेटा, ये तो आना था, ठीक है। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट को आने से, ठीक है ना कहीं इसके कारण जरूर थे। 1813 का जो चार्टर था बेटा, उसके आने का प्रमुख कारण ये था कि 1793 का जो चार्टर अधिनियम था, ठीक है ना, 1793 के चार्टर अधिनियम में भी बेटा यही बात बोली गई थी कि अगले 20 वर्षों के लिए, अगले 20 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए
ठीक है ना, कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था, आप लोगों ने देखा होगा, कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया गया था, ठीक है बेटा, आगे आने वाले 20 वर्षों के लिए 1793 के चार्टर एक्ट में, ठीक है। 1813 का जो चार्टर आया बेटा, 1813 का जो चार्टर अधिकार आया, उसमें ये व्यापारिक अधिकार कंपनी से छीन लिए गए, क्लियर है, ये व्यापारिक अधिकार कंपनी से छीन लिए गए। क्यों छीने गए बेटा, तो उसके मूल में कारण था कि जब ये 1793 का चार्टर अधिनियम, ध्यान रखेंगे बेटा कि 1793 के चार्टर अधिनियम में बहुत क्लियर करना है बेटा, 1793 के चार्टर अधिनियम में, ठीक है, जो कंपनी को आगे आने वाले 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था, उसको 1813 के चार्टर अधिनियम में छीनकर कंपनी से, ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार छीन लिया गया, व्यापारिक एकाधिकार छीन लिया गया, ठीक है ना, और कंपनी बेटा पूर्ण रूप से एक राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था बन गई, राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था बन गई, ठीक है बेटा। तो व्यापारिक एकाधिकार को पीछे छीने जाने के पीछे कारण थे, जब आप 1813 के चार्टर अधिनियम को पढ़ोगे, उस लेक्चर्स को देखोगे, तो कारण क्या थे कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति संपन्न हुई, वहां पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ, उसने ब्रिटिश संसद पर दबाव डाला कि भारत जैसे मुनाफे का बाजार हम सभी के लिए खोल दो। तो स्वाभाविक सी बात है बेटा, वर्षों से चली आ रही, सालों से चली आ रही जो कंपनी की मोनोपोली थी कि केवल, ठीक है, इंग्लैंड से भारत में व्यापार एकमात्र ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है, उस मोनोपोली को कहीं ना कहीं छीनना पड़ा, और बेटा ठीक है इंग्लैंड के हर एक व्यक्ति को भारत के साथ व्यापार करने की छूट प्रदान करनी पड़ी, वो बेटा 1813 के चार्टर अधिनियम का एक कारण था। तो 1813 के चार्टर अधिनियम में कंपनी से जो मोनोपोली छीनी गई थी, उसके कारण थे, पहला जो मैंने अभी आपको बताया कि इंग्लैंड में, ठीक है, औद्योगिक क्रांति हुई, वहां पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ, जिसने ब्रिटिश संसद पर दबाव डाला कि भारत जैसा मुनाफे का बाजार हम सभी के लिए खोल दो। दूसरा का नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था, जिससे कि बेटा वहाँ के पूंजीपतियों को, वहाँ के उद्यमियों को लगातार नुकसान पहुँच रहा था, तो उन्होंने विकल्प के रूप में भारत को, ठीक है, तलाशा, और भारत उनको अपने व्यापार के लिए सबसे, ठीक है, उपयुक्त परिस्थिति प्रदान करने वाला एक क्षेत्र मिल गया, जिससे कि उनकी व्यापारिक प्रगति हो सकती थी, ठीक है बच्चे, चलिए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, 1813 के चार्टर एक्ट में बोल दिया गया था कि अगले 20 वर्षों तक के लिए वह राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था बनी रहेगी 1813 के चार्टर एक्ट में। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट की जो चीज 1813 में कनेक्ट करेगी, वो ये थी कि कंपनी से व्यापारिक एकाधिकार छीन लिया गया बेटा, लेकिन फिर भी, ठीक है, अपवाद स्वरूप बेटा, अपवाद स्वरूप कंपनी दो व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखी, एक चाय का व्यापार, इस पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा, और दूसरा बेटा चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार, इस पर भी कंपनी का एकाधिकार बना रहा, चाय और चीन का साथ व्यापार, ठीक है। अब बेटा यहीं पर ये चीजें कनेक्ट करेंगे 1833 में, पृष्ठभूमि आप समझ चुके हैं, आइए 1833 के चार्टर एक्ट की शुरुआत करते हैं। अब आप बेटा 1833 के चार्टर एक्ट को समझो बहुत अच्छे से, ठीक है बेटा। देखो सबसे पहले ये था 1833 के चार्टर एक्ट में कि 1813 के चार्टर में, ठीक है, कंपनी चाय का व्यापार, ठीक है ना, और बेटा चीन के साथ व्यापार, और चीन के साथ व्यापार, चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का जो एकाधिकार था बेटा, हालांकि एकाधिकार पहले ही छीन लिया गया था, लेकिन फिर भी अपवाद स्वरूप दो अधिकार बने रहे कंपनी के, यह भी बेटा इस एक्ट से छीन लिए गए। अर्थात 1833 के एक्ट से 1813 के एक्ट में जो दो अधिकार कंपनी के पास व्यापार करने के बने रहे, उनको भी बेटा पूर्णतः छीन लिया गया, पूर्णतः छीन लिया गया कंपनी से। अर्थात बेटा यदि कंपनी से इन अधिकारों को भी चाय और लिया गया, अगर कंपनी से बेटा चाय और चीन के अधिकारों को, चीन के साथ व्यापार के अधिकारों को छीन लिया गया हो, तो कंपनी अब विशुद्ध रूप से बेटा एक प्रशासनिक संस्था बन चुकी है। अब कंपनी विशुद्ध रूप से बेटा क्या है, केवल व केवल एक प्रशासनिक संस्था है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि अब इसे व्यापार करने की स्वतंत्रता नहीं है या एकाधिकार नहीं है, तो कंपनी पूर्ण रूप से एक प्रशासनिक संस्था है। अब बेटा कंपनी ने क्या कहा, कंपनी पहले ही बोल चुकी थी 1813 के चार्टर एक्ट में कि चूंकि आप हमसे व्यापारिक एकाधिकार छीन कर, ठीक है ना, ब्रिटेन के नागरिकों को दे रहे हो, उद्यमियों को दे रहे हो, पूंजीपतियों को दे रहे हो, तो हम अपने शेयर होल्डर्स को 10.5% का लाभांश देते रहेंगे, ठीक है, ये लाभांश देते रहेंगे, इसे जारी रखेंगे। 1833 के चार्टर एक्ट में बोला गया बेटा, पहला प्रावधान क्लियर है आपका,
मैं एक बार फिर से बोला, पहला प्रावधान क्या था कि 1813 के चार्टर एक्ट में बेटा कंपनी से व्यापारिक एकाधिकार छीन लिया गया। जब 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी से व्यापारिक एकाधिकार छीन लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अब्बास स्वरूप कंपनी चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार करती रही। 1833 में बेटा वो भी छीन लिया, ठीक है, और कंपनी पूर्ण रूप से अब एक प्रशासनिक संस्था बन गई। अब कंपनी के शेयर होल्डर्स को नुकसान ना पहुंचे, कंपनी ने 1813 में ही बोल दिया था कि 10.5% का डिविडेंड हम अपने शेयर होल्डर्स को देते रहेंगे, हम अपने शेयर होल्डर्स को देते रहेंगे। अब यहां पर बेटा कंपनी एक स्टेप आगे गई और कंपनी ने बोला कि जो 10.5% का शेयर होल्डर है, सॉरी 10.5% का ये जो बेटा ये डिविडेंड है, डिविडेंड को हिंदी में लाभांश बोलेंगे, 10.5% का ये जो डिविडेंड है, लाभांश है, ठीक है ना, ये हम अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है, हम अपने शेयरधारियों को तब तक देते रहेंगे जब तक कि क्राउन समस्त पूंजी जब तक कि क्राउन बेटा कंपनी के समस्त स्टॉक को, जितना भी कंपनी के पास पूंजी स्टॉक पड़ा हुआ है, उसको 200% के मूल्य पर ना खरीद ले। बात समझ में आ रही है? तो क्या बोली कंपनी? तो पहला प्रावधान मैंने आपको बता दिया कि पूर्णतः छीन लिया गया बेटा व्यापार, अब कंपनी पूर्ण रूप से एक प्रशासनिक संस्था बन गई। और दूसरा प्रावधान यह था कि 10% का जो 10.5% का लाभांश है वो बेटा तब तक जारी रहेगा ठीक है बेटा, जब तक कि ब्रिटिश क्राउन कंपनी के समस्त पूंजी स्टॉक को ठीक है 200% के मूल्य पर ना खरीद ले, जब तक 200% के मूल्य पर नहीं खरीद लेती, तब तक बेटा ब्रिटिश क्राउन कंपनी के समस्त पूंजी स्टॉक को 200% के मूल्य पर ना खरीद ले, तब तक कंपनी 10.5% का डिविडेंड, 10.5% का लाभांश अपने शेयर होल्डर्स को देती रहेगी। बात समझ में आ गई बेटा? तो 10.5% का लाभांश देने की शुरुआत तो बेटा 1813 के चार्टर एक्ट से ही हो गई थी, लेकिन बेटा 33 में इस बात को क्लियर कर दिया गया कि वह तब तक इस डिविडेंड को देती रहेगी अपने शेयर होल्डर्स को जब तक कि ब्रिटिश क्राउन उसके समस्त पूंजी स्टॉक को 200% मतलब दोगुनी कीमत पर ना खरीद ले। क्लियर है? और कंपनी ने ऐसा सही किया मेरे हिसाब से, क्योंकि बेटा जब आप, ठीक है, अपने हितों को साधने के लिए कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को छीनकर उसको प्रशासनिक संस्था बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसे भी तो ये सिक्योर करना है कि उसके शेयर होल्डर्स, ठीक है ना कहीं वो मुनाफा कमाते रहें जो मुनाफा देने के लिए उनसे प्रॉमिस किया गया था। तो इसलिए बेटा 10.5% का डिविडेंड तब तक जारी रहेगा शेयर होल्डर्स को जब तक कि क्राउन समस्त पूंजी स्टॉक को 200% के मूल्य पर ना खरीद ले। बहुत बार समझा दिया, समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। तो प्रावधान, दो प्रावधान, पहले, ठीक है, व्यापार को पूर्णतः छीन लिया गया, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार भी खत्म हो गया, आप वो भी कंपनी से छीन लिया। और दूसरा बेटा कंपनी डिविडेंड जारी रखेगी जब तक कि क्राउन 200% के मूल्य पर ना खरीद ले। क्लियर है? आइए तीसरे प्रावधान की बात करते हैं जो कि बेटा सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है इस अधिनियम का। चलिए, इस अधिनियम का बेटा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है, गौर करना आप लोग। इसमें बोला गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम है, मतलब एक पद है और उस पद का नाम है बंगाल का गवर्नर जनरल। अच्छा, ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है बेटा, ये पदनाम, ठीक है ना, कब पड़ा है? तो ये पड़ा है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, आपको याद होगा बेटा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, ठीक है ना, बंगाल का गवर्नर जनरल। इससे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले क्या हुआ करता था? केवल बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। ऐसे ही लिंक करके चलो बेटा, इससे पहले केवल क्या होता था? बंगाल का गवर्नर, ठीक है। अगर इस तरह से लिंक करके चलोगे तो कोई भी चीज बेटा आपको रटनी नहीं पड़ेगी। केवल बंगाल का गवर्नर 1773 से वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। उसके बाद बेटा 1773 में उसकी काउंसिल में 4 सदस्य होते थे। कितने होते थे बेटा? 4 सदस्य। और बेटा 1784 में सदस्यों की संख्या घटकर कितनी हो गई? 3। तो 4 सदस्य 3 हो गए बेटा 1784 के, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट से।
इंडिया एक्ट से, ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ। चलिए अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बोला गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पदनाम है वो बदलकर हो जाएगा, अब उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसे बेटा? भारत का गवर्नर जनरल, अब उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, ठीक है ना। उसकी काउंसिल में 3 सदस्य रहेंगे, स्थाई, स्थाई सदस्य 3, ठीक है, जो पहले थे, ठीक है। 1784 के फिट्स इंडिया एक्ट से जो 3 सदस्य थे, मैंने बोला वो 3 सदस्य स्थाई बने रहेंगे, लेकिन एक चौथे सदस्य को भी उसकी काउंसिल में जोड़ा जाएगा, एक चौथे सदस्य को भी जोड़ा जाएगा। ये चौथा सदस्य अस्थाई सदस्य होगा और यह एक विधि सदस्य होगा। विधि सदस्य का मतलब है यह कानूनों का जानकार सदस्य होगा, विधि सदस्य होगा, ठीक है ना। और बेटा इस विधि सदस्य को, अब यहां देखना बच्चे, इस विधि सदस्य को, ठीक है ना, इस विधि सदस्य को तभी, ठीक है ना, परिषद की मीटिंगों में बुलाया जाएगा, परिषद की बैठकों में तभी बुलाया जाएगा, इस चौथे सदस्य को तभी बुलाया जाएगा जब कानून संबंधी कोई प्रश्न खड़ा हो, कानून संबंधी कोई प्रश्न खड़ा हो जाए, ठीक है ना, या कानून से संबंधित वाद विवादों पर चर्चा करनी हो, तभी बेटा परिषद की बैठकों में उस चौथे सदस्य को बुलाया जाएगा। ये चौथा सदस्य जो कि अस्थाई था, ये था बेटा लॉर्ड मैकाले, ध्यान रखना, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले के बारे में मॉडर्न में बेटा विस्तार से चर्चा करेंगे, खासकर मेंस में। चौथा सदस्य था लॉर्ड मैकाले, लेकिन बेटा लॉर्ड मैकाले पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की ऐसी कृपा थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की ऐसी कृपा थी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बोल दिया कि मैकाले, ठीक है ना, परिषद की प्रत्येक मीटिंग में भाग लेगा। मैकाले परिषद की प्रत्येक मीटिंग में हिस्सा लेगा, प्रत्येक मीटिंग में हिस्सा लेगा, और वो लेता भी था, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ रही है। तो गवर्नर जनरल की परिषद में 3 सदस्य तो बने रहे बेटा, लेकिन एक चौथे सदस्य जो कि अस्थाई सदस्य होता था उसको भी शामिल किया गया, और वह चौथा सदस्य एक विधि विशेषज्ञ था, विधि सदस्य था, जो लॉर्ड मैकाले था, ध्यान रखना बेटा। हालांकि परिषद की बैठकों में तभी उसे बुलाए जाने का प्रावधान था जब कानून संबंधी कोई प्रश्न खड़ा हो, हालांकि बेटा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अनुशंसा पर उसे परिषद की प्रत्येक बैठक में बुलाया गया, ठीक है, परिषद की प्रत्येक मीटिंग में उसने हिस्सा लिया। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, और बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक चीज़, अब देखो मैंने बोला बेटा आपको कि बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम भारत का गवर्नर जनरल हो गया, अगर भारत का गवर्नर जनरल हो गया तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियाँ हैं, और बम्बई प्रेसिडेंसियाँ हैं, ठीक है बेटा, इन पर गवर्नर जनरल के अधिकार को, इन पर गवर्नर जनरल के अधिकार को, ठीक है, और ज़्यादा बेटा विस्तृत कर दिया गया, और ज़्यादा स्पष्ट कर दिया गया, और बोल दिया गया बेटा कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के लिए अब केवल व केवल कानून बनाने का अधिकार केवल भारत के गवर्नर जनरल को होगा। किसको होगा बेटा? भारत के गवर्नर जनरल को होगा, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को होगा। गवर्नर जनरल ऊपर लिखा है, ठीक है बेटा, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रेसिडेंसियों के लिए कानून बनाने का अधिकार अब केवल व केवल बेटा, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को होगा। यह बात क्लियर हो गई बेटा आपको? चलिए स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, चलिए अगले प्रावधान की ओर चलते हैं बच्चे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, अच्छे से ले लो, फिर इसे मिटाते हैं, फिर अगले प्रावधान की ओर चलते हैं, ठीक है, चलो। सारी चीज क्लियर हो रही होंगी और आपको समझ में आ रहा होगा, इतना भी टफ नहीं है ये, बहुत सरल है, ठीक है, बस ढंग से इसे समझो तो कुछ भी नहीं है, हर एक अगली चीज पिछली चीज से कनेक्टेड है, ठीक है ना, तभी तो ये संवैधानिक विकास का इतिहास है मेरे भाई, क्योंकि कनेक्टेड है। अच्छा, इसके बाद बेटा इस अधिनियम का अगला जो भी प्रावधान होगा, आप जो भी माने, मान लीजिए कि मैं तीसरा प्रावधान मानता हूँ, तीसरा प्रावधान था बेटा इसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जरूरी, जो आपको बिल्कुल याद करना है, समझना है बेटा,
वो था कि इसके द्वारा एक विधि आयोग की स्थापना की गई, इस अधिनियम के द्वारा एक विधि आयोग की स्थापना की गई, ठीक है, जिसका काम बेटा कानूनों का निर्माण करना था। और चौथा प्रावधान हो जाएगा बेटा धारा 87, ये अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है धारा 87, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धारा 87 बेटा बोलती थी कि रंग, ठीक है ना, नस्ल, ठीक है बेटा, या फिर मैं बोल सकता हूं मूल वंश, ठीक है, इत्यादि के आधार पर, जैसे आपका आर्टिकल है ना आर्टिकल 15, ठीक है, जो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव का विरोध करता है, उसे निषेध करता है, तो ऐसे ही बेटा आर्टिकल या धारा 87 तक, धारा 87 रंग, नस्ल, मूल वंश आदि के आधार पर, ठीक है ना, किसी भी सरकारी नौकरी की नियुक्ति में, किसी भी सरकारी नौकरी की नियुक्ति में जो भी भेदभाव होता था, जो भी भेदभाव होता था, उस भेदभाव का बेटा निषेध करता है, अर्थात उसको प्रोहिबिटेड करता है कि भैया कोई भी भर्ती होगी, ठीक है ना, उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिना किसी, ठीक है, रंग, नस्ल और मूल वंश में भेदभाव के किया जाएगा। अर्थात ये सरकारी नौकरियों में रंग, नस्ल, मूल वंश इत्यादि के आधार पर, ठीक है ना, होने वाले भेदभाव का विरोध करता था और उसमें बेटा सरकारी नौकरी की नियुक्तियों में पारदर्शिता की बात करता था, नियुक्तियों में पारदर्शिता की बात करता था बेटा, ठीक है, पारदर्शिता की बात कहता था। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था 1833 के चार्टर अधिनियम का। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि दो ही हैं, ठीक है ना, अब बेटा इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि 1833 के प्रावधान, 1833 के चार्टर एक्ट के और क्या क्या प्रावधान थे, ठीक है, इसको सबसे पहले शुरुआत से समझते हैं और फिर आप लोग बेटा पूरे का एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अब यहाँ पे बेटा सबसे पहला प्रावधान क्या था, ठीक है, सबसे पहला प्रावधान ये था मेरे प्यारे बच्चे कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, वो हो गया बेटा अब, ठीक है ना, वो पद हो गया भारत का गवर्नर जनरल। क्या हो गया वो पद अब? भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बेटा हो गया भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है बेटा। भारत के गवर्नर जनरल में बेटा उसकी परिषद थी, उसके परिषद में तीन सदस्य स्थायी थे, ठीक है, और एक जो सदस्य था बेटा वो अस्थाई था, अस्थाई, और उसी सदस्य की बेटा नियुक्ति की यहां पर बात कही गई है। एक सदस्य स्थाई था जो कि बेटा एक विधि सदस्य हुआ करता था, विधि सदस्य होता था, ठीक है बेटा, और वह था लॉर्ड मैकाले, वो एक सदस्य जो अस्थाई सदस्य था, विधि सदस्य था, वो बेटा लॉर्ड मैकाले था, ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। अच्छा, इस अधिनियम के तहत बेटा, ठीक है ना, 1833 के, भारत का पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक ये पहला गवर्नर जनरल था भारत का, और साथ ही साथ ये अंतिम भी था बंगाल का, अंतिम था बंगाल का गवर्नर जनरल। तो पूछा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बेटा, ठीक है, तो वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक है, और पूछा जाए बेटा भारत का पहला गवर्नर जनरल प्रथम, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल भी कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ठीक है। सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये समझाई। दूसरा बेटा, विधि सदस्य केवल तभी बैठकों में भाग ले सकता है जब कानून संबंधी कोई विवाद हो, कानून संबंधी बैठकों में ही भाग ले सकता है, लेकिन बेटा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर इसने प्रत्येक बैठक में भाग लिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर, ठीक ना, इसने बेटा प्रत्येक बैठक में भाग लिया, ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रावधान था। इसके बाद ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट चलेंगे बेटा इस अधिनियम का अगला प्रावधान ये था कि 10.5% का जो डिविडेंट लाभांश, जो बेटा
कंपनी के शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा था, कंपनी के शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा था, ठीक है ना। कब से दिया जा रहा था? 1813 से दिया जा रहा था। वह तब तक दिया जा रहा जाता रहेगा, ठीक है ना। अर्थात वह डिविडेंड, वह लाभांश कंपनी के शेयर होल्डर्स को 10.5% का तब तक दिया जाता रहेगा जब तक कि बेटा क्राउन कंपनी के स्टॉक को, जितना भी कंपनी का पूंजी स्टॉक है बेटा, ठीक है ना, कंपनी के समस्त पूंजी स्टॉक को, समस्त पूंजी स्टॉक को 200% के मूल्य पर ना खरीद ले, मूल्य पर ना खरीद ले, ठीक है। तब तक मेरे प्यारे बच्चे यह डिविडेंड दिया जाता रहेगा 200% का, ठीक है ना। और ये ठीक है बेटा, कहीं ना कहीं कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के हितों का भी ध्यान रख रही थी और उनके हितों को ध्यान में रखकर यह महत्वपूर्ण प्रावधान लाया गया था इस अधिनियम के तहत। चलिए, ये आपने बेटा उतार लिया होगा, ठीक है ना, ये क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, इसके बाद फिर वो भारत का गवर्नर जनरल कौन था पहला, कौन था अंतिम डिविडेंड वाला, ये प्रश्न भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इस अधिनियम का अगला प्रमुख प्रावधान था, अगर ये पहला है, ठीक है ना, ये आपका दूसरा प्रावधान है, तो यहाँ पर तीसरा प्रावधान आ जाएगा महत्वपूर्ण, ठीक है, वह था धारा 87, जहाँ रंग, रूट, नस्ल और मूल वंश के आधार पर भेदभाव का विरोध किया गया है, के आधार पर भेदभाव का विरोध, भेदभाव का विरोध, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ठीक है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि कंपनी से व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह छीन लिया, व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः छीन लिया, पूर्णतः छीन लिया, ठीक है। फिर से समझा रहा हूं बच्चों, आप लोगों के लिए बेटा मेहनत करो, कंपनी से व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः छीन लिया, ठीक है ना। हालांकि पहले ठीक कंपनी 1813 में ही छीना था, लेकिन 1813 में कंपनी ठीक है ना चीन के साथ व्यापार कर रही थी, ठीक है ना, और साथ ही साथ बेटा वो चाय का व्यापार भी कर रही थी, लेकिन अब उसके इस अधिकार को भी उससे छीन लिया गया। अब कंपनी बेटा विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बन गई, पूर्ण रूप से बेटा एक प्रशासनिक संस्था बन गई विशुद्ध रूप से। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, धारा 87 देख ली। अब बेटा अगर ये भारत का गवर्नर जनरल है तो इसका मतलब है कि उसके अधिकारों में वृद्धि हुई है, और भारत का गवर्नर जनरल अब बेटा मद्रास और प्रेसिडेंसी के लिए, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के लिए केवल वही कानून बनाएगा भारत का गवर्नर जनरल। अब इनको कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया इनसे। देखो बेटा, इनसे कानून बनाने का अधिकार धीरे धीरे छीना गया है, पहले इनके पास था, बात क्लियर बेटा, कानून बनाने का 1773 में इनसे ठीक है ना छीन लिया, लेकिन 1773 में बेटा ये आपातकालीन स्थितियों में ठीक है ना बंगाल के गवर्नर जनरल के कानून को ओवरराइड कर सकते थे 1784 में, ठीक है ना, और बेटा इनके अधिकारों को कम किया गया, और 1784 में बंगाल के गवर्नर जनरल के अधिकारों को और बढ़ाया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल इनके द्वारा बनाए गए कानूनों में सीधे हस्तक्षेप कर सकता था, लेकिन बेटा इस अधिनियम के तहत 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत मद्रास और बंबई के गवर्नरों से बिल्कुल ही कानून बनाने का अधिकार छीन लिया, और अब कानून पूरे ब्रिटिश भारत के लिए केवल एक ही व्यक्ति बना सकेगा, वो है भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हालांकि बेटा 1861 के अधिनियम से फिर से इन लोगों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया, ठीक है ना। तो कुल मिला के जो ठीक है केंद्रीकरण हो रहा है, उस केंद्रीकरण में थोड़ी सी ढील आ गई 1861 के अधिनियम में, ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब इसके बाद फिर बेटा हम बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, इसी अधिनियम के तहत कौन सा प्रावधान, पांचवा प्रावधान हो जाएगा, इसी अधिनियम के तहत एक विधि आयोग की भी स्थापना की गई है, ठीक है ना, इसी अधिनियम के तहत बेटा एक विधि आयोग की स्थापना की भी बात कही गई है, विधि आयोग की स्थापना की गई है इस अधिनियम के तहत, जो कि इस अधिनियम का बेटा सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है, महत्वपूर्ण प्रावधान है, ठीक है। अब बेटा कंपनी विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक संस्था बन चुकी है, और राजनीतिक संस्था के तौर पर वे अपने बेटा इन सभी कामों को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ में आ रही है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। आप लोग बेटा सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से,
हमारे यहाँ भैया ठीक है सब्जी बेचने वाले जा रहे हैं। चलो तो एक मिनट रुक लो आप सभी लोग, और सुन लो बेटा आवाज़ आ रही होगी तुम लोगों को हैं, अगर नहीं पढ़े ना तो जीवन में यह काम भी करना पड़ सकता है, ठीक है सही बता रहा हूँ, तो इसलिए पढ़ लो सब लोग बहुत अच्छे से। अच्छा ठीक है, अब आप सुनिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बेटा अब तक जितने भी हमने अधिनियमों को पढ़ा, चार्टर को पढ़ा, या फिर बेटा किसी भी प्रकार के कोई इंडिया एक्ट को पढ़ा, आप लोग बेटा उनमें कनेक्शन या फिर उनमें आप लोग लिंक कर पा रहे होंगे अगर आप लोगों ने अच्छे से लेक्चर्स को देखा। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं बस मैं उनसे यही बोल रहा हूँ कि बेटा शुरुआत से आप लेक्चर्स को फॉलो करो, और शुरुआत से जब आप लेक्चर्स को फॉलो करोगे तो सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे बेटा, बहुत अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ मैं। मन से पढ़ो बेटा, पॉलिटी के पेड बैच के बारे में मैंने आपको बता दिया है, बाकी का अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप मुझसे उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सभी का दिन शुभ हो।